Assalamualaikum. Welcome back to Aysha's Kitchen. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ्राइड चिकन मसाला. देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. चिकन आधा किलो, एक अदद बड़ी साइज की प्याज बारीक काट लें, दो अदद दरमियानी साइज के टमाटर, दही हाफ कप, ऑयल हाफ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1½ टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पिसा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें इसको 2 पीसेस में काट लें. एक बाउल में चिकन डालकर उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इसे ढक कर 30 मिनट के लिए रख दें. अब कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें और इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस डालते जाएं. और चिकन को फ्राई करें. इसको मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे. इसको 6 से 7 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे. छः मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करते हैं. अब दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट फ्राई करेंगे. ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं, अब फ्लेम को ऑफ करके इसे निकालते हैं. अब एक कढ़ाई में बचा हुआ ऑयल डाल दें. अब इसमें प्याज डाल दें और प्याज को गोल्डन ब्राउन करें. जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें. अब इसे ढक कर टमाटर गलने तक पकाएं. जब टमाटर गल जाएं तो इसमें हरी मिर्च डाल दें. और इसके साथ ही चिकन का बचा हुआ मसाला डाल दें. मिक्स करें. अब इसमें चिकन डालकर इसे मिक्स करें. अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च भी डाल दें. अब इसमें 1 कप पानी डाल दें. मिक्स करें. अब इसे ढक कर 10 से 12 मिनट लो फ्लेम में पकाएं.
12 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम में 2 मिनट भूनेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खुश रहें, मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।